गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन से, नई शुरुआत के साथ। सो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ना मैं सुबह सुबह से ही कर रही हूँ। अभी ना सुबह के 6 बज गए हैं और इधर उधर ना धुंधी धुंध पड़ी है, क्योंकि आपको तो पता है कि 3 दिन से कंटिन्यू लगातार बारिश हो रही थी। अभी भी आज तो 100% बताई है, बट पता नहीं कैसा कैसा रहता है। मैं तो चाहती हूँ कि बारिश हो ही ना। और आज मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ, सुबह 4 बजे से हमारे काम चले हैं। सो अभी ना मैंने पात्री पूजा नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। पात्री भी छोड़ दी है, क्योंकि पंडित जी ना कभी भी आ सकते हैं इसके बाद। मतलब अंशु को नहलाना है, आज उसका बर्थडे है, आज वो 1 साल का कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी हमने भल्ले बाबरू वगैरह ये सब बनाने। सो पहले ना मैं आपको डेली की तरह बाहर का मतलब मौसम दिखा देती हूँ, वेदर दिखा दी हूँ कैसा हो रखा है। अंधेरा अंधेरा सही छाया है बाहर। सो फिर ले चलते हूँ आपको अपने किचन की ओर। तब तक के लिए बना रहे हैं किचन में। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो हमने भल्ले बना दिए। दी बना रहे हैं हमारे भल्ले, ये थोड़े से अभी इनका मैं अभी मेकअप करूँगी ना चलिए, उसके बाद इनका फेस रिवील होगा। तब तक हम इनका फेस नहीं दिखाएंगे आपको। बाकी अभी ना हमें बहुत ज़्यादा भल्ले बनाने हैं, देखो कितने सारे भल्ले बनाने हैं। एंड उसके बाद बनाने हैं बाबरू, पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम बाबरू बनाएंगे उस टाइम मैं आपको दिखाऊँगी। उसके बाद देखती हूँ कि क्या क्या करना है, अभी पंडित जी भी नहीं आए हैं। तो बाकी अभी अंशु को नहलाना है, उसके पापा उसको नहला देंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय। सो इधर ना अभी पूजा खत्म ही होने वाली है, क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं लगा बनाने का। अंशु तो रो रहा है, तो उसके पापा ही उसके बदले कर रहे थे थोड़ी टाइम। अभी तो खत्म हो, पहले तो वही बैठा था, बट अब खत्म होने लगे है। अभी वो अपने अम्मा के पास बैठा है। सो फ्रेंड्स अभी ना हम सारा काम करके फारिग हो गए हैं। हमारे साथ पता क्या क्लोल हुई है, आज लाइट ना चली गई है और हमारे को थोड़े से बल्ले नहीं सॉरी बाबरू रह गए हैं बनाने को। बाकी तो हमने बना लिए, बाकी हम सारा काम करके कंप्लीट हो गए और अभी हमने बस पंडित जी को खाना ही खिलाना है। और पंडित जी अभी गए हैं बाहर गांव में। सो अभी उनके लिए हमने सब्जी लगाई है, तो चपातियाँ बनाएंगे हम गर्म गर्मी। सो अभी हमने फिर वो बांटने भी अपने टब्बरों में, तो फिर जाएँगे हम, आपको भी दिखाएँगे कि हमने कैसे कैसे बनाए और कितने कितने हम देंगे, वो सब दिखाएँगे। बाकी उसके बाद हम करेंगे डेकोरेशन शुरू और केक कटिंग का आपको अलग पार्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स अभी हम तैयारी में लग गए हैं बैलून और ये देखो दी उधर बैलून क्या होते कर रहे हैं पंप के साथ। और फिर ये देखो हमारे इतने सारे इधर बैलून हैं, बाकी इसमें भी है थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी। पहले इन गुब्बारों को फुला लेते हैं, थोड़े से गुब्बारे दिए हमें गिफ्ट कर रहे हैं ना, तो उन सभी को फुलाएंगे। फिर देखते हैं जान पड़े ऊपर से, फिर देखते हैं कि ये रूम के अंदर ही करते हैं या फिर या बाहर अच्छे से डेकोरेट करते हैं, वो थोड़ा सा मौसम पे डिपेंड होगा कि कहाँ पे क्या होगा। चलो पहले हम फटाफट से बैलून फुला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या बनता है। ये देखो फ्रेंड्स अभी ना हमने सारे बैलून फुला लिए, आधे तो इसमें से फट भी गए हैं, एक तो आप उधर से भी। और इधर हमने अभी हमने डेकोरेशन करनी है इधर से लेकर, और बाकी अभी ना हमें रह गए हैं फुलाने, जैसे कि नेम रह गया है पूरा हैप्पी बर्थडे का नेम एंड शिवांश, ये तो हैप्पी बर्थडे का है और शिवांश हो गया है। फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे डेकोरेट करते हैं हम।
और फिर अभी अंशी के पापा भी नहीं आए ना, तो उसके बाद देखते हैं हम, और हम आपको फिर पूरा लुक दिखाएंगे एंड केक कटिंग का हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स अभी ना हमने रूम के अच्छे से डेकोरेशन कर दी है, पूरी तरह से रेडी कर दिया है हमने रूम। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है हमारा रूम, डेकोरेशन कैसी करी है हमने, ये देख सकते हैं आप। बस अब हमने इधर सिर्फ केक रखना है एंड सबको क्या होते करना है, और आपको ना बाकी केक कटिंग का बाद में अलग से ब्लॉग आएगा नेक्स्ट, मतलब पार्टीशन करके कर रही हूँ ना मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो चलो अभी हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं। देखो हमने इधर भी, और फिलहाल मैं ऐसी हूँ ना, फिर बाद में हम अपना फाइनल लुक दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम रेडी होंगे। सो बाय बाय।